22 जनवरी को पूरा देश राम मंदिर को लेकर उत्साहित है। इस दिन भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा और पूरे देश में जय श्री राम का नारा उद्घोषित होगा। लेकिन बॉलीवुड के लिए ये मौका बहुत ज्यादा काबिले तारीफ वाला है और काबिले गौर वाला है, बिकॉज इस पूरे मसले को बनाने के लिए बॉलीवुड ऑलरेडी लग चुका है। वैसे तो भगवान राम पर कई बार फिल्में बनी हैं, लेकिन आदि पुरुष के हश्र के बाद कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। हालांकि नितेश तिवारी रणवीर कपूर के साथ सनी देओल के साथ ऑलरेडी मूवी प्लान कर चुके हैं, जहां पर कहा जा रहा है सनी देओल हनुमान का रोल करेंगे, लेकिन वो बात अभी कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन एक मूवी जरूर कंफर्म हुई है जो राम मंदिर पर बेस्ड है, जिसका नाम है राम जन्मभूमि। और मजे की बात है, यहाँ पर सनी देओल भी स्पेशल लीड रोल करते नजर आएंगे, जो कि होगा सरकारी वकील का, जो राम मंदिर मुद्दे पर सरकार की तरफ से लड़ा और जीता। जबकि उनके अपोजिट होंगे संजू बाबा, जो कि विपक्षी वकील का रोल प्ले करेंगे, जो कि प्राइवेट कंपनी और दूसरे लोगों के लिए लड़ेगा। यहाँ पर संजय दत्त को हराकर सनी देओल राम मंदिर का केस जीतेंगे और राम जन्मभूमि का जो इतिहास है उसको नए सिरे से कोर्ट रूम ड्रामा के जरिए पेश करेंगे। सनी देओल इससे पहले दामनी में वकील बने थे और उसके बाद तो ढाई किलो का हाथ सबको याद हो गया। ऐसे में उनके कैरियर का हिस्टोरिकल चेंज होने वाला है, बिकॉज एक बार फिर से वो काला कोट पहनकर अपने ढाई किलो के हाथ के साथ राम जन्मभूमि का केस लड़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और संजू और सनी की पेयरिंग भी काफी दिनों बाद होने वाली है। हालांकि इससे पहले दोनों 90s में कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं और एक्शन फिल्मों में दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी मानी जाती थी, फिर चाहे वो छत्री हो, क्रोध हो या फिर योद्धा। हालांकि इसके बाद दोनों ने साथ में ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि दोनों की जोड़ी फिर से पब्लिक को भाने वाली है, बिकॉज मुद्दा बहुत गर्म है। राम मंदिर को लेकर पूरा देश चर्चा में है, ऐसे में राम जन्मभूमि अयोध्या को लेकर जो भी फिल्म बनेंगी उन पर पूरा टेंशन जाएगा। हालांकि सनी पाजी ने अपनी डेट फाइनल कर दी है, अब संजू बाबा का पूरा शेड्यूल टाइट होना बाकी है। बाकी इसका नाम फिलहाल राम जन्मभूमि रखा गया है, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और चेंज कर दें, अयोध्या भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि रामलला भी रख सकते हैं। लेकिन मजे की बात है कि सनी देओल गदर के बाद काफी डिफरेंट सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। एक तरफ वो बॉर्डर के सीक्वल पे काम कर रहे हैं, वहीं पर सफर जैसा साइकोलॉजिकल ड्रामा कर रहे हैं, जबकि नंबर 3 बाप है उनकी एक्शन मूवी और राम जन्मभूमि होगा कोर्ट रूम ड्रामा, जो कि जॉली LLB के तर्ज पर बहुत ही डिफरेंट तरीके से सार्कास्टिक वे में पब्लिक को पॉलिटिकली डिबेट दिखाएगा और बताएगा रामलला का मैदान कैसे जीता गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।